हमारी इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। रोज न्यू क्रिएटर्स आते हैं यूट्यूब पे और कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जिससे वो वायरल होकर लोगों की नजरों में आ जाएं। पर पब्लिक इन सब क्रिएटर्स को पसंद नहीं करती, क्योंकि पब्लिक सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को पसंद करती है जिनकी वीडियोस और काम दोनों उन्हें अच्छे लगते हैं। इसीलिए कुछ यूट्यूबर्स के बहुत फैंस होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स के बहुत हेटर्स। तो इसीलिए आज मैं आपको इंडिया के 5 ऐसे यूट्यूबर्स बताने वाला हूँ जिन्हें लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो और साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश मिश्रा ने 2015 की दिसंबर में यूट्यूब पे एक सॉन्ग अपलोड किया था जिसका नाम था आंटी की घंटी। लोगों को ये सॉन्ग उस टाइम पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, फिर अचानक ही एक साल बाद ये सॉन्ग इतना ज्यादा वायरल हो गया कि लोग सड़कों पे उतर के इस सॉन्ग के नारे लगाने लगे। साथ साथ कुछ फीमेल फेमिनिस्ट ने ओम प्रकाश मिश्रा पे एलिगेशन भी लगाया इस बेस पे कि इस सॉन्ग में औरत को डिसरिस्पेक्ट किया गया है। पर इस चीज में पब्लिक का पूरा सपोर्ट ओम प्रकाश मिश्रा को मिला और फिर धीरे धीरे लोग ओम प्रकाश मिश्रा पसंद करने लगे। उसके बाद ओम प्रकाश मिश्रा ने बहुत बड़ी गलती कर दी वरुण धवन पे, मोदी जी पे और दूसरे यूट्यूबर्स के अगेंस्ट वीडियो बना के। लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसी वजह से ओम प्रकाश मिश्रा इंडियन यूट्यूबर्स में 5वें नंबर पे आते हैं जिन्हें लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। संडे को पार्टी, संडे को आंटी, आंटी के घर पे कोई नहीं है, दारू पे सोना, सोड़े पे दारू, आंटी का फिगर पाड़ू, आंटी का जो गेम बजाना, 12 o'clock को आना, 12 o'clock को, डार्क डार्क नाइट को, आंटी की घंटी बजाता देख सारी नाइट को, शॉट में लगता आंटी देख बड़ा फास्ट, सोली सोली मत कहना इमेज की ये बात, तेरा तल्ला मेरी छवि नाइट की ये बात, मान जाना आंटी तू ये सुन ले मेरी बात। ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने इंडिया में क्रिंच पॉप की शुरुआत की थी। क्रिंच पॉप का मतलब होता है बद से बदतर सॉन्ग बनाना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिंची सॉन्ग। ऐसे सॉन्ग जब कोई सुनता है तो वो उसे एंजॉय नहीं करता, उस पे हंसता है और आगे किसी और को फॉरवर्ड कर देता है ताकि वो भी उस सॉन्ग को सुनकर हंसे। और इन सबसे फायदा सिर्फ उसी का होता है जिसका सॉन्ग होता है। यही चीज ढिंचक पूजा ने की एक के बाद एक बद से बदतर सॉन्ग बना के, जिसकी पूरी इंडिया ने खिल्ली उड़ाई। ढिंचक पूजा जानती थी कि उसके सॉन्ग अच्छे नहीं है और ना ही लोग पसंद करते हैं, पर ढिंचक पूजा को बस फेम और पैसा दिख रहा था और ऐसा हुआ भी। यूट्यूब पे करोड़ों व्यूज मिले, साथ साथ न्यूज में, बिग बॉस में और कुछ टीवी शोज में ढिंचक पूजा को जाने का मौका मिला। अपने बेसुरे गानों से ढिंचक पूजा ने पैसा फेम तो बना लिया पर फैंस नहीं बना पाई। इसीलिए ढिंचक पूजा इंडियन यूट्यूबर्स में 4th नंबर पे आती है जिसे लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। क्योंकि वो तो बेवफा है आफरी, तू तो बेवफा है आफरी, तू तो बेवफा है। क्रेजी सुमित। सुमित बहुत पुराने प्रैंकस्टर्स में से एक है और इन्होंने अपने यूट्यूब करियर की नहीं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की जनवरी 2017 में किसिंग प्रैंक करके, जिसमें ये राह चलती लड़कियों को किस करके भागता है। ये प्रैंक वीडियो अपलोड होने के बाद सुमित को चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा हेट मिलने लगा। सुमित ने अपने चैनल से ये वीडियो डिलीट कर दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सुमित न्यूज में भी आ चुका था। हर यूट्यूबर सुमित के अगेंस्ट वीडियो बना रहा था और फिर पुलिस ने भी सुमित को अरेस्ट कर लिया। सुमित इस केस से बच गया कि ये प्रैंक फेक था और इसे फेक होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये रियल प्रैंक होता तो सुमित को काफी सालों तक की सजा हो सकती थी। इसीलिए सुमित इंडियन यूट्यूबर्स में 3rd नंबर पे आता है जिसे लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि दोनों आरोपी पैसे कमाने के लिए ऐसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते थे। सुमित और सत्यजीत ये वही दोनों शख्स हैं जिन्होंने किसिंग प्रैंक का वीडियो शूट किया। दे आर डूइंग दिस फॉर मनी, मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं। यूट्यूब इनको पैसा देता है कि इतनी हिट्स आए, जितने हिट्स आते हैं उसके हिसाब से, जैसे 1000 हिट आए तो ये कहते हैं 700-800 रुपया मिलता है। इनकी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती है यूट्यूब कि जिस जिसने प्रैंक वीडियो जिसको ज्यादा हिट मिले वो आगे। रोहित खत्री। रोहित खत्री का एक फिटनेस चैनल है जिसपे 22 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। रोहित खत्री पूरी यूट्यूब की फिटनेस कम्युनिटी में बदनाम है अपनी वीडियो में दी जाने वाली गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, क्लिकबेटिंग की वजह से, झूठ बोलने की वजह से और इमोशनल ड्रामा करने की वजह से। फिटनेस कम्युनिटी में रोहित खत्री के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इसी वजह से लोग रोहित खत्री को और ज्यादा हेट करते हैं, क्योंकि जिसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हों वही गलत इन्फॉर्मेशन दे, वो भी बॉडी से रिलेटेड, गलत तो है ये। इसीलिए यूट्यूब पे
हजारों वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने रोहित खत्री को एक्सपोज किया है, पर रोहित खत्री को लगता है कि लोग उस पे वीडियो बस व्यूज के लिए बनाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि एक इंसान गलत हो सकता है, हजार नहीं। अब आखिर में मैं एक और चीज कहूंगा रोहित खत्री के बारे में, और वो चीज ये है कि इसने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, जिसमें इन भाई साहब ने कुछ ऐसा कहा था। उसके लिए आप न्यूट्रोजीना का अल्ट्रा शेयर SPF 50 यूज़ कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, अमेजोन से खरीद सकते हो जाके, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जाके जरूर खरीदे गाइस। ये कोई पेड प्रमोशन बिल्कुल नहीं है, होता तो मैं आप लोगों को बेस्ट चीज़ बताता, काश मैं कोई पेड प्रमोशन मिल जाता, पैसे भी मिलते अपना बेस्ट प्रोडक्ट भी मिल जाता है। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्रोडक्ट के लिंक पर टच करोगे तो यहाँ आपको साफ साफ लिखा हुआ दिखेगा रोहित के मीन्स खत्री। इसका मतलब ये है कि ये लिंक एक जनरेट किया हुआ लिंक है, जिस पर टच करके जो भी ये प्रोडक्ट बाय करेगा रोहित खत्री को उसकी कमीशन मिलेगी। इससे ये साफ प्रूफ होता है कि ये 100% पेड प्रमोशन है और रोहित खत्री 100% झूठा और फेक इंसान है, और इसी वजह से रोहित खत्री इंडियन यूट्यूबर्स में दूसरे नंबर पे आता है जिसे लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। तो गाइस पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी प्रोटीन खाने की लिमिट नहीं होती, और प्रोटीन आपको कभी भी कुछ गलत इफेक्ट नहीं देने वाला है, आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं करने वाला है। अब बताता हूँ क्यों। अगर आप ये सोचते हो कि 400-500 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें कुछ हो जाएगा, या 600 ग्राम खाने से, या 700 ग्राम खाने से, तो गाइस आपने बॉडी बिल्डर देखे होंगे जो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन खेलते होंगे, या बहुत सारे एथलीट होंगे जो हाई लेवल पे कंपटीशन खेलते होंगे, वो हर मील में कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं। अगर वो 8 मील भी ले रहे हैं उनका प्रोटीन कितना बैठ जाएगा, 800 ग्राम। क्या उनको कुछ होता है? नहीं होता है। होता है तो इसकी वजह से होता है, प्रोटीन आपको कभी नहीं देगा। तरुण गिल का भी एक फिटनेस चैनल है 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ। इनके चैनल पे आप जाओगे तो आपको हर वीडियो के लाइक डिसलाइक और कमेंट डिसेबल मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे ये इंसान सबसे ज्यादा बदनाम है। तरुण गिल खुद को बहुत बड़े फिटनेस गुरु समझते हैं, पर सच ये है कि इन्हें एक्सरसाइज के नाम तक नहीं पता और न ही फिटनेस के बारे में कुछ पता। ये अपनी हर वीडियो में स्टेरॉइड के बारे में बात करते हैं और प्री वर्कआउट में वायग्रा लेने को बोलते हैं। ये सब तो छोटी चीजें थी, इनकी बदनामी का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि ये एक शो लेकर आ रहे थे जिसमें जजेस के लिए इन्होंने रणविजय और साहिल खान को हायर किया था, और इन्होंने कहा था कि इस शो का जो विनर होगा उसे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक हार्ली डेविडसन बाइक मिलेगी और बॉलीवुड में काम करने को मिलेगा। ये सब सुनने के बाद काफी लोग आए ऑडिशन के लिए, और वहां जाके पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपए। फिर भी हजारों लोगों ने 2000 रुपए देके अपना ऑडिशन दिया, और अब तक इनके शो का कोई पता नहीं, और इस इंसान को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ये आराम से लाइक डिसलाइक और कमेंट डिसेबल करके वीडियो बनाता है। अब ये जो स्कैम हुआ है ये सिर्फ लोगों के साथ नहीं हुआ, खुद साहिल खान के साथ भी हुआ है। Having said that, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसका लिंक इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी डालूंगा, ताकि आप सबको ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए कि एग्जैक्टली मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ क्या था। ये करीब 5 से 6 महीने पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, और मेरे चार्जेस 30 लाख रुपीज थे जो उनके साथ मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में बनाया हुआ है। लेकिन इस बात को हैविंग सेड दैट, ये एग्रीमेंट आज तक कभी साइन उन्होंने किया नहीं, और जितनी बार भी मैं उनके पास अलग अलग शहरों में गया वहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन उन्होंने किया नहीं, करके दिया नहीं। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 6 शहरों में मैं गया हूँ, जहाँ पे दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही करीब 900 से 1000 लड़के आए थे जिन्होंने 2000-2000 रुपये दिए थे। अगर 900 लड़के आते हैं एक दिन में ऑडिशन देने के लिए, तो 18 लाख रुपए से सिर्फ वही हो जाते हैं। तो उस दिन दिल्ली में, जब जो भी लोग दिल्ली में आए थे वो देख सकते हैं कि मैं वहाँ था, सुबह के 4 बजे तक ऑडिशन ले रहा था लोगों के, मुझे उसके भी पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन मुझे पता है कि 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक दिन का, और वो सारे पैसे तरुण गिल अपने बैग में कैश लेकर गए थे विद कैमरामैन, क्योंकि मैं और वो सबसे ऑलमोस्ट आखिरी लोग थे जो वहाँ से निकले थे। उसके बाद दिल्ली के बाद उन्होंने काफ़ी दिन मुझे कन्विंस करते रहे कि हम पेपर वर्क कर रहे हैं, हमारा चैनल से टाई अप हो गया है, और हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, इस तरह की बातें होती रही, लेकिन पेपर वर्क हुआ नहीं। फिर हम वहाँ से गए चंडीगढ़ में भी बहुत सारे लोग आए, और मेरे ख्याल से इसी तरह का कुछ अमाउंट हुआ होगा, कुछ थोड़े से लोग कम होंगे दिल्ली से। 15 सितंबर को मैं जयपुर गया था, 24 सितंबर को मैं दिल्ली और चंडीगढ़ गया था, 9th अक्टूबर को मैं कैलकटा गया था जहाँ पे वो शो हुआ नहीं, और 14 अक्टूबर को मैं कुरुक्षेत्र गया था। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने पैसे ले लिए हैं आप लोगों से, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के जो मुझे पैसे मिलने चाहिए एज अ जज, आज तक मुझे वो मिले नहीं है, यहाँ तक कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी उनके पास साइन नहीं है।
अगर उनके पास साइन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उनसे कहें कि अपलोड करें यूट्यूब पर, फेसबुक पे, जहां पे भी चाहें। उनके पास मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरे पास उनका कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने साइन नहीं किया। अगर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं तो वो लोगों को एक्सपोज करें कि मैंने 30 लाख रुपए साहिल खान को दिए हैं जज करने के शो। तो इसी वजह से तरुण गिल इंडियन यूट्यूबर्स में नंबर 1 पे आते हैं, जिन्हें लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। तो ये थे इंडिया के 5 ऐसे यूट्यूबर्स जिन्हें लोग सबसे ज्यादा हेट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।